अस्सलाम वालेकुम। क्या चले तुम लोगों के पास? सब ठीक ठाक? अमन है आज तुम्हारा भाई दोबारा हाजिर है एक और नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज काफी दिन हो गए मैंने अपनी गाड़ी वैलो को निकाला नहीं है तकरीबन कोई भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 15 दिन तो हो गए होंगे, 15 दिन से ज्यादा हो गए मैंने उसे ड्राइव ही नहीं किया अभी तक। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है, वैसे भी कल मुझे गाड़ी लेके भी एक जगह जाना है, शायद जाना पड़े तो गाड़ी बेइंतहा की ज्यादा गंदी हो रही है। तो आज हम लोग सबसे पहले उसको निकालेंगे, जरा हालत वालत देखूँ, अंदर से भी बड़ी कबाड़ बनी हुई होगी, मिट्टी में खड़ी हुई, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है ब्लॉग में पता चल गया होगा पहले वाले कि मेरे पास पार्किंग नहीं है, तो कोई रोड पर मैं गाड़ियाँ खड़ी करता हूँ, कपड़ा वपड़ा डला हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी गंदी हो जाती है कि पूछो ही नहीं भाई। तो बस ये सारा सीन है, आज गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी की सर्विस वगैरह कराएंगे, मैं आप लोगों को ओवरऑल गाड़ी का पूरा भाई राउंड अप गेड़ा वेड़ा कराऊंगा कि भाई क्या है क्या नहीं, और आज दिन में ज़्यादा पता चल जाएगा कि उसका कलर क्यों ख़राब हुआ है, क्या ख़राब हुआ, कहाँ कहाँ से ख़राब हुआ। कलर बहुत एंड क्लास का हुआ था जब हुआ था, लेकिन अभी वाट लग गई है कलर की, तो वो दोबारा करवाएंगे अभी शो से पहले पाक पील के, लेकिन देखते हैं हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ। लेकिन उससे पहले मैं इसी कलर पे एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक डिज़ाइन मेरे दिमाग में है, तो वो भी उसको भी एक ब्लॉग में कवर करेंगे, लेकिन अभी उसको बड़े बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऊंच नीच हुई तो पूरा का पूरा कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो यही सीन है। चलो अपन सबसे पहले गाड़ी की चाबी एरी वायलो की रेडी है। मैं फक मैन आप लोगों में एक चीज दिखाता हूँ, ये देख रहा हूँ, अगर ये किसी को नहीं पता तो ये पूरा डब्बा मैंने लाके रखा हुआ है ऐसे, मतलब शुगल मेले में। मैं ये खोल के दिखाता हूँ भाई। अरे बाहर आ जा, ये देखो ये छोटे छोटे छुटपुटी पटाखे हैं, ये रात में कभी मैं मोनिस अफाक अहमद ई एफ वाले बेबी सुपरा वाले तो हम लोग निकलते हैं। तो खोलता हूँ मैं जरा, मुँह में ना फटिया ही, ये हल्के से पंच होते हैं फटिया थे भाई, ये देखो तो इसी में निकाला है, निकल तेरी तो एक आ गया। इसको फाड़ के दिखाता हूँ, तो ये कभी हम लोग तुम्हारा भाई जा रहा होता है रात रातों में तो हम लोग तफरी अपनी एक दूसरे को मारना मुड़ना लगा रहता है। खैर हम लोग चलते हैं अभी बाहर गाड़ी एरी, और गाड़ी का या अभी गंदा जो इंटीरियर बाहर सब दिखाता हूँ, उसके बाद सर्विस पे लेके चलते हैं गाड़ी को, चेक वर्क कराते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो। A few minutes later. हाँ तो गाइस ये रही अपनी तीनों गाड़ियाँ, ये सबसे आगे अपनी ब्लैक एकॉर्ड खड़ी हुई है, जब से लिए भाई मैंने खुद 2-3 दफ़ा ही चलाई है, वो पीछे अपनी वाइलो और वो बेबी सुपरा। वाइलो को ज़्यादातर भाई आपका भाई कपड़े में ही खड़ा रखता है, और जब से इस्लामाबाद से मैं आया हूँ उसको मैंने कपड़े में ही खड़ा रखा है। वो अफाक की ये रेड वाली बेबी सुपरा, वो पीछे अपनी एकॉर्ड ब्लैक वाली, वो तो मैं बहुत कम चलाता हूँ। ये वाइलो दो कपड़ों में खड़ी रखता हूँ भाई मैं इसको, एक अंदर गाड़ी का अपना कपड़ा, ऊपर तरपाल अलग डाल के रखता हूँ। हाँ जी तो ये हालत हो रही है गाड़ी की अभी कुछ, और भाई यार सबसे ज़्यादा देख रहे हो कितनी गंदी हालत हो रही है। अभी खैर इसको ले जाके सर्विस वगैरह कराएंगे, कोई भाई 2 हफ्ते तो हो गए इसको कम से कम। अभी मैं इंटीरियर वगैरह इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, पीछे से ये इतनी गंदी सारी साइडें वाइडें इंटीरियर की, इसका फुल गंदा पड़ा हुआ भाई। ये रिसेंटली मैंने अभी इसकी सीटें वीटें भी चेंज कराई है ना, सब गंदा पड़ा हुआ है। तो अभी वाइलो को धुलवाते हैं, बहुत टाइम हो गया, स्टार्ट करके देखो स्टार्ट भी हो गई। अबे बैटरी तो एकॉर्ड में पड़ी हुई है, ये लगा दी भाई बैटरी हमने इसमें। अब गाड़ी का लो मीटर ऑन है गाड़ी का, चाबी मैंने इग्निशन ऑन करके निकाल ली। टायर टिक्की बंद करते हैं आराम से, चलो लॉक है, अब स्टार्ट मारता हूँ ये मोबाइल। बिस्मिल्लाह ये भाई ये हो भाई, ओके
थोड़े शटर दे के रखते हैं। हाँ जी, तो गाड़ी अपनी हो गई है रेडी फुल, मतलब स्टार्ट विस्टार्ट हो गई गरम वरम। लेकिन एक सीन समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्यों रिजर्व पेट्रोल दिखा रही, जबकि पेट्रोल मैंने इसमें छोड़ा था। अच्छा, जो लोग पूछते ना मेरे से कि ये सनरूफ अलग से लगा हुआ, नहीं भाई, ये जो लंदन मॉडल शेरेट्स आई थी उनमें सनरूफ था, तो ये ओरिजिनल सनरूफ है इसमें। ये देखो इसका बटन बटन भी लगा हुआ, चलता हुआ भाई, रनिंग सनरूफ है। बाकी अभी गाड़ी को लेके चलते हैं, सर्विस वगैरह करवाते हैं और फिर सा एक साफ सुथरा सा गेड़ा करवाता हूँ। इंजन रूम दिखाते हैं। हालत बहुत बुरी हुई है, जॉन इसको चमका देगा यार, वो लाल वाला बल्ला निकाल। ये सारी हालत हुई है भी गाड़ी। जॉन यार इंजन धो दे इसका, बस चमका दे इसको फुल। अभी ये हालत है गाड़ी की, इसके बाद अभी धुलने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि जितनी गंदी है उतनी गंदी है नहीं, अच्छी खासी चमकी हुई गाड़ी है। अभी सर्विस हो जाए उसके बाद। तो अभी इस टाइम पे मैं हूँ शमीम वाले सर्विस स्टेशन पे, गुलशन शमीम भाई। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि सर्विस कहाँ से करवानी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि बंदे को यहाँ से करवाइए, हमारे जॉन भाई हैं जो गाड़ी की इंग्लिश एक नंबर सर्विस करते हैं बिल्कुल। ये देख लो, अभी खाली इंजन रूम धोएंगे, चमका देंगे बिल्कुल, अपने मुंह की तरह कर देंगे। और पैसे भी चाहिए थे भाई, कितने पैसे? 600 रुपये और एक चाय। चाय दो नंबर है और एंटरटेनमेंट आपको अलग करवाएंगे। गाड़ी वाड़ी तकरीबन हो ही गया, बस ये मैट रह गए मेरी गाड़ी के, और उसका ये बाहर आए कि इसका सूखा कपड़ा लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर गाड़ी के मैं ओवरऑल पूरा फिर तफसील से दिखाता हूँ गाड़ी देखने में कैसी। सैंडन मोटर स्पोर्ट पे, और ओहो हो हो आए हम आपको इसके ओनर से गेड़ा करवाते हैं। कैसे हैं शहरयार भाई आप? मैं ठीक हूं, आप सुनाइए कैसे? बस कोई शिकायत विकायत तो नहीं आपको? आज क्यों रहा, अभी मुनीम मिला था मुझे। ये हमारे सैंडन के ओनर हैं और ये इनकी लेक्सस है, ये पिंक वाली, और वो एक ब्यूटीफुल शेरेट, उसका भी मैं आपको कभी करवाऊंगा ओवरऑल पूरा ओवरव्यू। तो अगर गाड़ी वाड़ी का काम भाई मैं यहीं से करवाता हूँ सैंडन से। तो ये गाड़ी हुई है अपनी वाइलो, और अभी मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ के कलर में क्या मतलब। अभी दिन का टाइम जो है ना ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा। तो ये है, ये देखो अभी ये जो निशान इस पर आ गए ना, ये टेक्सचर पे, ये जो है ना मतलब कलर से जब कलर करवाया जब तो नहीं थे, लेकिन 4 से 5 मतलब 10-12 दिन के बाद फिर ये निशान आने लग गया। अभी ये देखो ये कीचड़ है पूरी छत पर जो है ना, ये कीचड़ ही कीचड़ है। अभी ये सारा मतलब समझ नहीं आ रहा कि हार्ट ना लेकर का इशू है, क्या इशू है, सारा कलर जो है बहरहाल वो ख़राब हो गया है। और अब ये वाली लाइटें थी जो मैंने पूरी क्रिस्टल बनवाई थी, फेंडर ओवर फेंडरिंग करवाई थी। इंटीरियर मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ इसका, ये गाड़ी का इंटीरियर। सीटें मैंने रिसेंटली, इसकी अपनी ये जेन्युइन सीटें, अंदर से गंदी हुई है, अभी धुली है, पॉलिश वाली जले लगेगी तो ये सारी सही हो जाएगी। ये भी अंदर से साफ नहीं हुई हुई है, तो प्रोजेक्ट गाड़ी है भाई, ऐसे ही रहती है। अभी बोनट भी खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इंजन रूम जो है अभी इसका कलर नहीं कराया था, मैंने सोचा कि भाई वो शो के टाइम पे ही पूरा कलर करवाएंगे। तो अभी मैंने ये खोल लेते ज़रा, ये तो ये है इंजन। अब धुलने के बाद सब ख़राब हो गया, साल से ज़्यादा हो गया इसको इंजन को, जब पिछले पाक व्हील के शो पे मैंने ऐसे ड्रेसिंग करवाई थी। इंजन
इंजन जो है वो मैंने इसमें डाला हुआ 5EFE 1600 कैटेगरी में आता है ऑटोमेटिक, और ये जो है ना हेडलाइट पर, ये वीजल के प्रोजेक्टर हैं जो आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखे होंगे ना दोनों हेडलाइटों में। तो ये अभी तुलवाने के बाद इसमें ना थोड़ी सी पानी पानी सा आ गया, ये होस पिन इसकी बंद करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये है, अभी भी स्टिल इन प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि नई हुई हैं अभी भी, और ज़्यादातर मैं काम जो है वो सैंडिंग से ही करवाता हूँ। रिम्स का मैं आपको बता देता हूँ, ये 8.5 JJ के हैं, ये वही रिम है जो पहले वाइट कलर की थी तो गोल्डन कलर के थे, ये वही रिम है, तो मैंने इनको ये सिल्वर करवा दिए थे टूल लगवा के, क्योंकि जाहिर सी बात है रेड कलर पे गोल्डन अजीब ही लगते हैं। तो ये है वाइलो ओवरऑल अभी। A few minutes later. हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं आ गया था घर सैंडिन से, क्योंकि भाई रात के 9 बज रहे और मेरी हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि कराची की सड़कों पे ड्रॉप और स्टैटिक गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा भाई मुश्किल है। पता है सबको कि क्या हाल है रोडों का यहाँ पे, और मेरी गाड़ी में भाई शेरिड में वाइलो में, तो मैं शेरिड बोलना पता नहीं कब भूलूंगा, मैं शेरिड शेरिड करता रहता हूँ, इवन नाम मैंने रखा हुआ है वाइलो। तो उसमें कॉयल ओवर्स जो लेवे, कॉयल ओवर्स पे कंफर्ट लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, गाड़ी सख्त हो जाती है, बहुत शॉकर्स जो उसके होते हैं सस्पेंशन वगैरह। तो इस वजह से अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है, GTA की वीडियो एडिट करनी है, और मेरी हालत हो रही है टाइट, थोड़ा रेस्ट करके आपका भाई वो काम करेगा। तो अगर तुम लोग अभी तक व्लॉग देख रहे हो तो भाई लाइक शेयर नहीं किया तो कर दो, ठीक है। मैं यहीं पर व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।